को 8 महीने जब से ब्रॉलर्स बनी तब से टाइम दिया गया कि नेवर इम्प्रूव, सीन यही था। उसके बाद भी हमने उसे बोला कि लेट डॉबर प्ले एट लीस्ट, तुम एज ए फिफ्थ मेंबर स्टे कर सकते हो, बट उसने डिसीजन लिया कि नहीं मेरे को लीव करना है, ये सीन है। उसके बाद डिसीजन ले लो भाई। भाई देखो अगर यार मैं क्या समझता हूँ यार, एक मिनट रुक, बंदे कह रहे नोवा को बेकार फ्रॉन्स ने करा पैसिव खिला के, अग्री। जब मैं स्पॉट में आया था तब जरा बता दे डार्क कितना कैसा था वो, मैं बता दू जब पता नहीं रहता है तो मत बोला करो, पहले ड्रीमर्स देख लो एक बार जाके। चिप बता दो मेरे को, गुस्सा मत किसी एक बंदे को, किसी एक बंदे को एक टीम 6-7 महीने से बनी हुई है, उससे बेटर उसके टीमर से बेटर कौन कौन बचानेगा, बस ये क्लियर कर दो। गौरव हैप्पी दिवाली ब्रो, इज इट ट्रू दैट यू गाइस आर स्टिल फ्रेंड्स? लड़ाई जैसे भी लड़ाई जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, लड़ाई थोड़ी हुई है भाई, पहले इंडिविजुअल डिसीजन नहीं था ये, इट वाज अ टीम डिसीजन, बाकी दोनों यहीं पे, पूछ लो इनसे। मैं अकेला क्यों डिसीजन लूंगा, मैं अकेला अगर होता इन दोनों को चिल होते अगर ये तो फिर डिसीजन ही नहीं होता। स्टार्टिंग में जब आइकॉनिक वर्जन परफॉर्मिंग तो बात थी कि लेट्स रिप्लेस आइकॉनिक, बट टाइम पे नोवा नहीं माना, फिर बाद में नोवा माना तो अपन दोनों नहीं माने, तो बात यही था। उसने अपन मेरे को बोल दिया कि तू देख ले तेरे को अभी, और उन सारी चीजों की वजह से हमारा खुद का माइंड फक हो रखा है 3 दिन से, जब हमें खुद पता चला कि नोवा ब्रॉलर्स ही छोड़ रहा है, उसने खुद डिसाइड कर लिया कि ब्रॉलर्स छोड़ रहा है, हमारा सब खुद का दिमाग खराब है, अब उसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं।